सुबह सुबह मिल जाए एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय तो दिन ही बन जाता है। हेलो एवरीवन, रश्मि हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ लेकर एक बढ़िया चाय जो है हमारी इम्यूनिटी बूस्टर। तो इसके लिए हम बना लेंगे चाय का मसाला, जिसके लिए मुझे चाहिए कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ड्राई जिंजर, जिसको सोट भी कहते हैं। और मैं ले लूँगी यहाँ पर 3 इंच का सिनेमन की स्टिक ले ली है। तो एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है लौंग। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार बताना चाहूँगी, अगर आपको ये मेज़रमेंट नहीं समझ में आता है तो आप एक कप चाय के हिसाब से मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो हम एक कप चाय में डालेंगे एक लौंग, आधी छोटी इलायची, 4 काली मिर्च के दाने और 1 सेंटीमीटर का सिनेमन। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 छोटी चम्मच लौंग और उसके साथ ले ली है 1 छोटी चम्मच छोटी इलायची, 1 चम्मच भर के काली मिर्च। तो काली मिर्च गर्म होती है और छोटी इलायची बहुत ठंडी होने के साथ साथ बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, जिससे इनका मॉइस्चर निकल जाए। हल्की धीमी आंच पर इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है और मैंने अब इसको बाहर निकाल लिया है। इसके साथ मैं ले लूँगी ड्राई जिंजर सोंठ। तो इसको हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी मसालों के साथ मैं इसको पीस लूँगी। तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप 1 चम्मच पाउडर भी ले सकते हैं, तो उसको इसमें मिला लें। तो अब इन सभी चीज़ों को डालकर मिक्सी में मैं इसका एक पाउडर बना लूँगी। तो पाउडर जो है हमारा दरदरा सा बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला बारीक नहीं करना है। तो देखिए बन गया है। तो मैंने यहाँ पे ले ली है 6 से 8 तुलसी की पत्तियाँ। ये है चाय का मसाला जो मैंने पहले ही बना लिया है। तो यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने चाय का पैन। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप पानी। तो मैं बनाने जा रही हूँ 2 कप चाय, तो 1 कप पानी और 1 कप दूध बराबर रेशो में हम ले लेंगे। मैंने पानी डाल दिया है। इसके साथ मैं डाल दूंगी इसमें तुलसी की पत्ती। तो तुलसी की पत्ती को इसमें अच्छी तरीके से खोल जाने दें, जिससे कि तुलसी का पूरा रस इसमें आ जाए। तो हमारा पानी का रंग भी चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए हल्का हरा सा हमारा पानी का रंग हो गया है, इसका मतलब हमारी तुलसी का जो रस है वो पानी में आ गया है। इसके साथ मैं अब डाल दूंगी 1 कप दूध। तो दूध को भी खोल जाने देंगे। अब हम ले लेंगे चीनी, चाय और मसाला। तो अब हम बारी बारी से इसको डाल देंगे। तो सबसे पहले दूध के खोल जाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच चाय की पत्ती। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो आप थोड़ी और भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल दी है। थोड़ा सा हिला दूंगी मैं इसको। तो खोलने देते हैं थोड़ी देर इसको। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारा। तो बस चाय के खोल जाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। तो चीनी चाय के हिसाब से, तो 2 कप चाय है तो 2 चम्मच चीनी डाल दूँगी। अगर ज़्यादा आप मीठी पीते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी चाय का मसाला। तो मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच चाय का मसाला लिया है, क्योंकि हमारी चाय 2 कप है। अगर आप 4 कप चाय बना रहे हैं तो आप 1/2 चम्मच चाय का मसाला डाल सकते हैं। तो इसको बस थोड़ी ही देर खोलाना है, जिससे कि मसाले का अच्छे सा फ्लेवर चाय में आ जाए। तो चाय हमारी खोल चुकी है, एकदम तैयार हो गई। तो आप निकाल लेते हैं चाय को। तो गर्मा गर्म तैयार हो गई है हमारी मसालेदार चाय, जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने वाली है। तो फ्रेंड्स, एक बार ये चाय बनाकर ज़रूर पिएं। अगर आप चाहते हैं तो इस मसाले को पानी में खोलाकर ऐसे काढ़ा भी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा चाय का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और गर्मा गर्म चाय बनाकर पिएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। Take care.